नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं आपके साथ अखिल गुप्ता। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे चौथा टी20 मैच खेला जाने वाला है 13 जुलाई को और ये मुकाबला होगा एक बार फिर से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। टीम इंडिया 5 मैचों के टी20 सीरीज पे फिलहाल आगे चल रही है, बढ़त हमारे पास है, 2-1 से टीम इंडिया आगे है और अगर भारत को सीरीज चौथे मैच में अपने नाम करनी है तो ये मुकाबला हरार में जीतना पड़ेगा। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए, मेजबान टीम के लिए मैच करो या मरो से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जिम्बाब्वे अगर ये मैच हारा तो सीरीज भी गंवा देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे चौथे मैच के लिए पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है, मौसम का हाल कैसा रहेगा, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को, न्यूज नेशन स्पोर्ट को, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, पहले जरूर दबाएं, क्योंकि इंडिया जिम्बाब्वे के बाद इंडिया को श्रीलंका के टूर पर जाना है और पेरिस ओलंपिक भी आ रहा है, तो खेल जगत से जुड़ी हर एक ब्रेकिंग न्यूज और हर एक अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट के साथ। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए मददगार होती है। शुरुआत में विकेट से पेसर्स को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिनर्स हावी हो जाते हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसतन स्कोर 156 रन है। हरारे में अब तक कुल 53 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें 32 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली और 20 मैच टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने जीते। अभी तक इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला, क्योंकि टीम इंडिया पहला मैच हार गई थी 13 रन से, लेकिन उसके बाद कमबैक किया गिलन कंपनी ने, 100 रन से मुकाबला जीता और तीसरा मुकाबला भी 23 रन से जीता। और यहां पर तीनों मैचों में एक चीज कॉमन रही है, जिस टीम ने पहले बैटिंग की उस टीम ने मुकाबला भी जीता। और पिच रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि औसतन स्कोर 156 रन है, लेकिन टीम इंडिया यहां पर 200 प्लस का स्कोर भी लगा चुकी है दूसरे मैच में। बल्लेबाजी हमारी तूफानी देखने को मिल रही है, तो कुछ नहीं करना है शुभमन गिल को, बस सिक्का उनके फेवर में उछलना चाहिए और अगर सिक्का गिल के फेवर में उछला तो वो डेफिनेटली पहले बैटिंग करेंगे और टीम इंडिया शायद 13 जुलाई को ही सीरीज अपने नाम कर लेगी, पांचवें मैच की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अगर वेदर की बात करें कि मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो नजर डालते हैं वेदर रिपोर्ट के ऊपर। सीरीज के चौथे टी20 मैच के दौरान हरारे के मौसम को लेकर बात की जाए तो मुकाबला वहां के स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा और उस समय एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की उम्मीद है। हवा की रफ्तार लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली है। ऐसे में शुरुआती समय में नई गेंद से पिच तेज गेंदबाजों को मदद मिलते हुए देख सकते हैं। बारिश को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, मुकाबला देखने को मिलेगा, एक बार फिर से भारतीय युवा खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिलेगा। बारिश को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मैच होने वाला है, धूप निकलने वाली है। बात अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की करें तो उसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। अब तक 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं जिम्बाब्वे और भारत के बीच। भारत ने 8 जीते हैं, जिम्बाब्वे ने केवल 3 जीते हैं। हालांकि तीसरे में जो तीसरा मैच था वो इसी सीरीज का पहला मैच था, जहां पर जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हरा दिया था, लेकिन उसके बाद उनको मुंह की खानी पड़ी। पहले 100 रन से हारे, फिर 23 रन से हारे और अब लगता है कि चौथा मैच भी हारी जाएंगे। खैर, अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले बात करेंगे मेजबान जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11 पर। वेस्ली मदरवे, इनोसेंट काया, ब्रायन बेंडेट, सिकंदर रजा कैप्टन, डेयन मेयर्स, जोनाथन कैम्बल, टेंडी चितारा, ब्लेसिंग मुजरबानी, ल्यूक जोंगावो, वेलिंगटन मसाकाजा और क्लाइव मटांडे। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे अपनी गेंदबाजी में फिर भी थोड़ा बेटर कर रहा है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बहुत ही खराब रही है। ये टीम कहीं ना कहीं रिवॉल्व करती है सिकंदर रजा की बल्लेबाजी पर, क्योंकि इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी इनके कप्तान खुद सिकंदर रजा हैं, लेकिन इस टीम की परफॉर्मेंस अभी तक उस दर्जे की देखने को नहीं मिली है। लगातार डिसअपॉइंट जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने किया है। इनोसेंट काया इतने अनुभवी प्लेयर हैं, लेकिन शुरुआती 2 मैचों में क्लीन बोल्ड हुए मुकेश कुमार के खिलाफ, कुछ नहीं कर पाए। मदरवे की बात कर ले, स्टार्टिंग में उनका बल्ला चला था, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 50-65 एक युवा खिलाड़ी ने लगाए थे, लेकिन जिम्बाब्वे को अगर मैच जीतना है तो अपनी बल्लेबाजी पर काम करना पड़ेगा। उनकी बल्लेबाजी बहुत फीकी रही है। सिकंदर रजा भी अपनी बल्ले से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने एक अच्छी कप्तानी जरूर की थी पहले मैच में, लेकिन बतौर बॉलर 5 विकेट लिए। ठीक है, आपको लगातार अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ सिकंदर रजा आपको बॉलिंग के दम पर और बैटिंग के दम पर मैच नहीं जिता सकते। टिंडे चितारा, ब्लेसिंग मुजरबानी, 4 विकेट उनके खाते में, चितारा के खाते में 4 विकेट हैं। मसाकाजा, उनकी पहले मैच में अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन फिर वो भी लैसे भटके हुए नजर आए। तो जिम्बाब्वे को अपने करो या मरो मैच में अगर कमबैक करना है, अगर टीम इंडिया को टक्कर देनी है, तो बल्लेबाजी में दमखम दिखाना पड़ेगा। गेंदबाजी फिर भी उस टीम की, मैं कहूंगा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बहुत सही हुई है। हालांकि दूसरे मैच में काफी रन खर्च किए थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने तो बहुत ज्यादा लेट डाउन किया है। तो जिम्बाब्वे को कमबैक करना है तो बल्लेबाजी में दमखम दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, जहां पर मुझे लगता है कि बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। जो टीम तीसरे मैच में खेलती वही शायद चौथे मैच में भी खेलेगी। नजर डालते हैं टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल कैप्टन, एक बार फिर से यही जोड़ी ओपन करते हुए नजर आएगी। अभिषेक शर्मा दूसरे मैच में इंजर्ड था, लेकिन तीसरे मैच पे नंबर 3 पे खेले, 10 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन विकेट कीपर होंगे, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान और खलील अहमद।
भाई बल्लेबाजी की बात करें तो टीम इंडिया की बैटिंग स्क्वाड में अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ है जिनका बल्ला गजब बोल रहा है। हालांकि एक शतक अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी आया लेकिन उसके इतर बाकी दो पारियों में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, केवल 110 रन है। दूसरे मैच में 100 था, उसको छोड़ दें। शुभमन गिल, इनका पिछले मैच में 66 रनों की कप्तानी पारी आई थी। ऋतुराज गायकवाड़ 133 रन बना चुके हैं लेकिन मुझे लगता है कि ऋतुराज को ज़्यादा नीचे भेजा जा रहा है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऋतुराज को प्लेइंग 11 में खिलाएं जरूर, लेकिन संजू सैमसन को मुझे लगता है कि ऊपर प्रमोट करना चाहिए बैटिंग में। आप उनको नंबर 3 या नंबर 4 भेज सकते हैं, इतना नीचे संजू सैमसन को भेजने का कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा शिवम दुबे आपके पास है, वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर है यार, अच्छा कर आ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने इस सीरीज में बतौर गेंदबाज काफी इंप्रेस किया है मुझे। बल्लेबाजी में पहला मैच मुझे लगता है कि फिनिश कर सकते थे लेकिन दूसरे एंड से उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, टीम इंडिया 13 रन से मैच हार गई। लेकिन सुंदर एक काबिल ऑलराउंडर है और लगातार अच्छा कर रहे हैं। गेंदबाजी में हमारे पास आवेश खान, मुकेश कुमार ने स्टार्टिंग के 2 मैचेस में जिस टप्पे में बॉल डाली थी काफी प्रभावित किया था, आवेश खान ने अच्छा प्रभावित किया। खलील अहमद थोड़ा महंगे साबित हुए लेकिन फिर भी उनको विकेट्स मिले हैं। और रवि बिश्नोई का तो कहना क्या, रवि बिश्नोई 6 विकेट ले चुके हैं, गजब की बॉलिंग कर रहे हैं, सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर हैं और उनको लेकर मैं बड़ा अभी प्रेडिक्शन भी कर चुका हूँ। आपने वीडियोस देखी होंगी हमारी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में युजवेंद्र चहल का सीधा टक्कर, सीधा सामना, सीधी चुनौती जो उनको मिलने वाली है वो रवि बिश्नोई से मिलने वाली है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मुझे एक बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया हरारे में 4th मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेगी, क्या स्कोर लाइन 4-1 होगी या फिर जिम्बाब्वे पलटवार करेगा? करो या मरो मैच में जिम्बाब्वे पलटवार करेगा और टीम इंडिया को चुनौती देगा, टीम इसकी सीरीज जो है वो 2-2 होगी। क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुकाबला 13 जुलाई को भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा, टॉस इस मैच का 4 बजे होगा। हर एक अपडेट आपको सबसे पहले न्यूज नेशन पर मिलने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये मैच OTT पर देखना चाहते हैं, फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर देख सकते हैं। हालांकि TV पर इस मैच का ब्रॉडकास्ट जो है वो सोनी ब्रॉडकास्ट पर होने वाला है, सोनी नेटवर्क पर होने वाला है। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ न्यूज नेशन पर बने रहना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।